हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। ये टीनेजर मेकअप लुक है, आप कोई भी इसे कैरी कर सकते हो। इसके लिए बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स चाहिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर, सबसे पहला स्टेप है रोज़ वाटर अप्लाई करना। आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर अप्लाई करो। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, देन आफ्टर आप रोज़ वाटर अप्लाई करना। आपने स्किन पे ऐसे डैब डैब करना है। अब आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये अपने आप ही ड्राई आउट हो जाएगा। देन आफ्टर फिर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। सो रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद अभी मैं ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। ये जॉय का स्किन फ्रूट क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप करते हो। आपने एकदम अच्छे से मसाज करनी है कि ये जो भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। आपने अपने नेक को फॉरवर्ड नहीं करना, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो साथ में नेक पे भी अप्लाई करें। और जब भी आपने कुछ अप्लाई करना है आपने थोड़ा गैप डालना है, जैसे कि 2 to 3 minutes का, देन आफ्टर आपने आगे अप्लाई करना है। अभी मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, अभी मैं 3 minutes के बाद अब अप्लाई करूँगी प्राइमर। और वो प्राइमर होगा जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, वो है एलोवेरा जेल। सो अभी मैं ये 3 minutes के बाद इसको अप्लाई करूँगी। डियर, अभी मैं अप्लाई करने लगी हूँ पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल। हाँ, आप जो इसमें ग्रीन वाली आती है वो भी अप्लाई कर सकती हो, मुझे ये वाली सूट करती है। सो मैं ये वाली अप्लाई करने लगी हूँ। जब भी आपने एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है आपने इसको सर्कुलर मोशन में नहीं करना मसाज, आपने इसको ऐसे करना। सो अभी आपने 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना। सो डियर, टीनेजर्स को कभी भी फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये बीबी क्रीम है, बहुत अच्छी है। जिन्होंने ये यूज़ की है उनको पता होगा। सो मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ। इसकी क्वान्टिटी बहुत ही थोड़ी रह गई, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। आपने डॉट डॉट करके सारे फेस पे लगाना है। आपने कभी भी ज़्यादा अमाउंट में कोई भी बीबी या सीसी को अप्लाई नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि कवरेज इतनी नहीं मिली तो आप दोबारा इसको बिल्डअप कर सकते हो, बट आपने एक साथ ही अप्लाई ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी। डियर, मैंने बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको चाहिए जॉनसन बेबी पाउडर। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसको अप्लाई कीजिए। इसको आप अपने पाम पे लीजिए थोड़ा सा।
देन आपने कोई भी स्पॉन्ज लेना, आपने ऐसे सारे फेस पे और नेक पे अप्लाई करना। एक दो मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी। सो डियर आफ्टर 2 मिनट्स अभी मैं इसको ड्रैग करने लगी हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज मिली है इसके साथ। आप इसको ज़्यादा टाइम तक भी, जैसे 3 से 4 मिनट तक भी आप इसको छोड़ कर सकते हो पाउडर को अप्लाई करके। मैंने जस्ट 2 मिनट्स के लिए ही रखा था। सो डियर नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो फिल करना। अगर आप आईब्रो करवाते हो तो भी आपने फिल करना है, अगर आप नहीं भी करवाते हो तो भी आपने आईब्रो फिल करना है, इससे बहुत अच्छे लुक आती है। सो मैं ब्राउन कलर की पेंसिल ले रही हूँ। मैं मोस्टली पेंसिल ही यूज़ करती हूँ, मुझे आई शेडो के साथ अप्लाई करना वो अच्छा नहीं लगता, सो मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ। आपके विषय आप क्या यूज़ करना चाहते हो। सो डियर नेक्स्ट स्टेप है काजल अप्लाई करना। कोई भी अप्लाई कर सकते हो, मैं ये कर रही हूँ लैक्मे का काजल। आपने लोअर और अपर वाटरलाइन दोनों पे अप्लाई करना है। आप इस आग का डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अपर वाटरलाइन पे अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो जैसे इनकम्प्लीट लग रहा है। सो इससे लुक बहुत अच्छी आती है। आप भी इसको ऐसे अप्लाई करें। डियर काजल अप्लाई करने के बाद आपने फिर से पाउडर लेना है और उसको एज अ कंसीलर जैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। इससे आपका जो काजल होगा वो स्मज नहीं करेगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दें। पाउडर को हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो कर भी सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। सो मैंने ऑरेंज कलर की ये शर्ट वेयर की है तो मैं ये जो ऑरेंज कलर है इसके साथ अपने क्रीज और लिड दोनों पर लगाऊंगी। इसको फिंगर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अब ये वाला जो है ये शिमरी शेड है थोड़ा सा, इसको अप्लाई करूंगी सिर्फ लिड पे। सो डियर अभी मैंने आई शेडो लाइट अप्लाई कर ली है, देन अब हम इसको रिमूव करेंगे। आपने ड्रैग करना, ये अपने आप ही अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप लोअर वाटर लाइन पे लाइनर अप्लाई कर सकते हो, ये आपके विषय है। सो नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये काजल है, काजल को एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी। जिनके पास लाइनर है वो लाइनर अप्लाई कर सकते हो, जिनके पास लाइनर नहीं है
तो वो काजल को ही एज ए लाइनर अप्लाई कर सकते हो। मैं बहुत ही लाइट लाइट अप्लाई किया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया। स्टेप है ब्लशर अप्लाई करना। आप कोई भी पिंक या रेड कलर की लिपस्टिक ले सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे रेड कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ। सबसे पहले आपने थोड़ी सी लेनी है, उसको पूरा ब्लेंड करके देन अगर आपको लगे कि नहीं और लगानी है फिर आप लगा सकते हो। आपने पहले ही ज़्यादा नहीं लेनी है। ब्लशर अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक को, बहुत अच्छी लुक आई है, रियल में भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल फिनिश लग रही है। सो अभी मैं ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ। ये गाइज मेरे से टूट गई थी, इग्नोर करना प्लीज़। आपने जब भी कोई लिपस्टिक लगानी है एकदम जैसे ड्रैग नहीं करनी, डैब डैब करो। फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।